आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लच यूनिट यानी कि 4C वाली जो मोटर है इसको जो है वो रवा जो है वो कैसे किया जाता है। इसको रवा करने की उस टाइम ज़रूरत पड़ती है जब इसके ऊपर टोनर बहुत ज़्यादा गिरता रहता है या डेवलपर गिरने की वजह से ये जाम हो जाता है, और जाम होने के बाद जो है वो पेपर की कटिंग या पेपर की ब्रेकिंग का होना जो है वो शुरू हो जाता है। पेपर कभी ब्रेक होता है, कभी चल पड़ता है कभी, तो इसके लिए जो है वो हमें इसको खोल के जो है वो अक्सर रवा करना पड़ता है। तो इसको रवा करने के लिए लोग जो है वो WD-40 स्प्रे भी मारते हैं और मिट्टी का तेल भी लगाते हैं, लेकिन आपने देखें हर किसी का काम करने का जो अंदाज़ है या तरीका है वो मुख्तलिफ है, हर किसी की सोच डिफरेंट है। तो इसके लिए ये मैंने आधा कप जो है वो पेट्रोल के लिए, पेट्रोल का आधा कप लेने के बाद जो है वो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पेट्रोल के अंदर रखूँगा और फिर जो है वो इसको जो है वो मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगा। इसको रवा करने के लिए मिट्टी का तेल, WD-40 स्प्रे या सिलाई मशीन वाला ऑयल और ये सारी चीज़ें जो है वो लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ भाइयों को जो है वो नहीं पता होता इसको जो है वो सही तरीके से कैसे इसको वॉश किया जाएगा। तो इसको जो है वो पेट्रोल जो है वो सबसे बेस्ट है, पेट्रोल इसके अंदर चला भी जाएगा तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने पेट्रोल इसको लेकर उसको पेट्रोल को आपने इसको थोड़ी देर पेट्रोल के अंदर रखना है, और थोड़ी देर पेट्रोल के अंदर रखने के बाद जो है वो आपने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे हरकत में इसको रखना है ताकि इसके अंदर जितना भी कचरा हो वो बाहर निकल जाए, और उसके साथ जो है वो बुर्श लेकर आपने बुर्श के साथ जो है वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रगड़ना है ताकि इसके अंदर जो है जितना भी कचरा है वो बाहर निकले, और एंड के साथ जो है वो आपने पेपर के साथ जो है वो इसको इस कचरे को जो है वो निकालना है। तो इस तरह करके आप जो है इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बाज़त लोग जो है इसको सिलिकॉन जो ऑयल लगाते हैं इसको रवा करने के लिए, ऑयल जो है वो आपने हमेशा याद रखना है कि ऑयल इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के साथ वॉश करके और इसको जो है वो वापस आपने इसको आपने वापस क्लच यूनिट के अंदर फिट करके मशीन के अंदर फिट कर देना है। तो ऑयल सिलिकॉन ऑयल बिल्कुल इसके अंदर नहीं घेरना, अगर आप सिलिकॉन ऑयल घेरेंगे तो ये इसकी जो टाइमिंग है या ये जो क्लच जिस तरह वर्क करता है उस तरह से वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल इसको खुशक होना चाहिए, खुशक करके फिर आपने जो है वो इसको मशीन के अंदर फिट करना है। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए पेट्रोल के अंदर रखना है और थोड़ी देर रखने के बाद इसको ऐसे आपने साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद जो है वो आपने इसको इसके अंदर लगाना है। अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा और बाहर निकाल कर जो है वो इसको कपड़े के साथ खुशक करके, खुशक करने के बाद जो है वो आपने ऐसे करना है कि इसको एक दफ़ा जो है वो आपने ये जो होता है पेपर लेना है, और पेपर के टुकड़े के साथ जो है वो आपने इसके गियर और क्लच का जहाँ पे ये मैग्नेट बनता है वहाँ पे जो है वो इसको ऐसे पेपर के साथ जो है वो आपने कर देना है। जैसे आप करोगे तो ये इस तरह से करके इसके अंदर से जितना भी कचरा होगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जब गियर मोटर जब सॉरी चलती है तो ये गरारी और जो पीछे वाला लोहे वाला हिस्सा ये दोनों मिलकर मैग्नेट बनाकर आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने जो है वो ऐसे करके इसके अंदर से जितना भी कचरा होगा वो आपने बाहर निकाल लेना है, और ऐसे करके आपने जो है वो इसको रवा कर लेना, फिर ये बेहतरीन वर्क करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो एक स्प्रिंग लगा होता है लोहे का, वो तो ऑलरेडी मैंने इसका निकाला हुआ है, लेकिन आप भी निकाल सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं। अगर वो भी आप निकाल देंगे तो वो ज़्यादा ईजी होकर ये क्लच रिलैक्स होकर चलेगा, इसका कोई मसला शायद नहीं करेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो चाहे वो मालूमती वीडियोज़ चाहे वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया जी।